हेलो रिवान, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टाव। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए, कि आपके पर्सन जिनके बारे में, जिनके ख्याल आपको रातों दिन सताते हैं, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, और आज की एनर्जी क्या होगी पता नहीं, बट खुश तो लग रहे हैं। खुश इन द सेंस कि ना आप किसी के ख्यालों में हैं, किसी के ख्याल पॉजिटिवली कि आप ही के हो सकते हैं, क्योंकि हम आपके बारे में रीडिंग कर रहे हैं। मतलब उनका और आपका कनेक्शन क्या है, क्या फीलिंग्स चल रही है, वो जानने की कोशिश में है। तो लेट्स सी कि क्या निकल के आता है। तो जब भी मैं कैंडल जलाऊँ, प्लीज़ फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट कीजिए, और उनका चेहरा याद कीजिए, हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनकी बातें याद कीजिए, उनका नाम याद कीजिए, सो दैट हम उन फीलिंग्स के साथ, उन एनर्जीज के साथ जुड़ सके। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश रोमांटिक मूड में है, बहुत ही ज़्यादा खुश और रोमांटिक मूड में है, राइट? मतलब एक चीज़ है ना कि फ्यूचर तो किसी ने देखा नहीं है, फ्यूचर का क्या होगा पता नहीं, बट फ्यूचर जिसे ना एक इमेजिनेशन में दौड़ रहा है, पता नहीं क्यों कैसे, बट समाओ ऐसा लगता ना कि अनजाने से ही आपके ख्याल उनको ना बहुत ज़्यादा सता रहे हैं, बहुत ज़्यादा अनजाने में से। मतलब काम में बिजी है, प्रेशर है, जिम्मेदारियां है, हो नहीं पॉसिबल, हो नहीं सकता, कितने सारी चीज़ें हैं ना, बट ये पता नहीं क्यों आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है और बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव थाट्स में है, एक रोमांटिक फीलिंग्स में है। मन तो कर रहा है बात करने का, मन तो कर रहा है मिलने आने का, सब कुछ है, लेकिन है ना कुछ प्रॉब्लम, वजह ज़रूर है। तो जिनके प्रॉब्लम लाइक ना नॉर्मल है, हो सकता है पॉसिबल जस्ट बिकॉज एक थोड़ा सा ईगो क्लैश या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो वहाँ पे ज़रूर आना होगा, कॉल मैसेज ज़रूर होगा। लेकिन जिनके थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है ना, फिर भी एक एनर्जी वाइज तो आपको बताना चाहेंगे कि वो आपको याद कर रहे हैं। यस, एनर्जी वाइज आपको याद कर रहे हैं, बताना ज़रूर चाहेंगे। इमोशंस काफ़ी ज़्यादा लाइक ना हावी हो रहे हैं, ख़ास करके ऐसा लगा कि जो दूर दूर है ना, मतलब ये जो दो मून है ना, दो साइड में खड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने मुंह फेर दिया है, आप आपकी एनर्जी नहीं है, आपके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, और या फिर ऐसा ना कि आप आजकल वैसे नहीं रहे जैसा पहले कभी हुआ करते थे। हालांकि सिचुएशन, इनका बिहेवियर, ये सब इसकी वजह है, नहीं है ऐसा नहीं कि पूरी तरह आपको ही दोष दे रहे हैं, बट समाओ ऐसा लग रहा है कि वो वक्त वापस चाहिए, वो इंसान वापस चाहिए। अगर आपका बिहेवियर कोल्ड है, अगर आपका बिहेवियर एकदम मतलब शांत है, खामोश है, तो अंदर ही अंदर बहुत कुछ चलता है, क्या है, क्या चल रहा है, क्या कुछ परेशानी है, या फिर मुझसे नाराज़गी है। जिस तरह से एकदम कैंडल मेरे हाथ से अचानक से ना, एक छोटी सी कैंडल, एक लाइट वेट कैंडल, हाथ से अचानक से ना डगमगा रही है, ऐसा लग रहा है कि इम्बैलेंस है इमोशंस पे भी और सिचुएशन पे भी। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा ना, ये कभी कभी ना अचानक से हंसते हंसते हुए ना आँखों से आंसू निकलते आते हैं। ये ना आपके सामने रोना चाहते हैं, या नहीं रोते, या फिर किसी के सामने नहीं, सिर्फ अकेले में, क्योंकि उनको लगता है ना कि उनके दिल की तकलीफ, उनको जो फील हो रहा है वो कोई समझ ही नहीं सकता, कोई भी नहीं समझ सकता।
हर किसी को उम्मीद है, हर किसी को कहना है कि तुम गलत थे, वह सब है, बट तुम्हें कोई नहीं समझ सकता, ऐसा उनको लगता है। और ये फिर प्रेफर करते हैं कि खुश भी हो तो अकेले हो, और तकलीफ में भी हो तो अकेले हो। होने के लिए मतलब ऐसा ना कि चलो आपने कहा पार्टी करें या आप दोस्तों के साथ पार्टी है तो वो दिखेंगे, बट अगर किसी से उम्मीद है या फिर किसी को साथ गिला शिकवा जो भी करना है ना, वो सिर्फ खुद के साथ ही है। मुझे काफ़ी ज़्यादा ना हर्मिट मोड की एनर्जी नज़र आ रही है, या तो भीड़ में तन्हा या फिर अकेले रहना ही पसंद करते हो। मन नहीं कर रहा। हालांकि ना ये घर से बाहर ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, यस एकदम ऐसा है ना कि घर से बाहर दिख रहे हैं, यस। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि दूर से कहीं पे आपको दिखते हो, देख रहे हो, ऐसी एनर्जी है, दूर से कहीं से आपको दिख रहे हो। घर से बाहर की एनर्जी कैसा है ना कि चलो काम का तो बहाना है, घर से बाहर ही रहे, बट समा हुआ ऐसा ना कि दोस्तों के साथ जा रहा हूँ या दोस्तों के साथ जा रही हूँ, या ऐसा कुछ किसी भी रीज़न से ऑफिस में ज़्यादा काम है या वट एवर रीज़न, ऐसा ना बाहर रहने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है कुछ भी रीज़न से, क्योंकि पॉसिबल है अभी ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, तो पॉसिबल है कि घर में जो है उनके स्पेशली पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी है, पेरेंट्स हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, या फिर कुछ तो ऐसी बात है ना जिसकी वजह से प्रिफर नहीं करते स्पेशली घर पे रहना, थर्ड पार्टी के साथ रहना, स्पेशली थर्ड पार्टी के साथ रहना प्रिफर नहीं करते। मतलब जितना मजबूरी है, जितना ज़रूरी है उतना ही है, उतना ही बात करना भी पसंद करते हैं। पॉसिबल है कि इनके बीच में ना बात बात के आर्ग्यूमेंट होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इसलिए अवॉइड करते हैं। थर्ड पार्टी नहीं अवॉइड करती, थर्ड पार्टी तो क्वेश्चनिंग में लगी रहती है कि क्यों, कहाँ कहाँ गए थे, क्या नहीं वगैरह सब चीज़ होते हैं, बट ये स्पेशली थर्ड पार्टी को अवॉइड करते हैं, बेकार में किसी चीज़ का आर्ग्यूमेंट नहीं करते, क्योंकि मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी आपके बारे में ही मतलब समझो ना, हाँ तो उसी के साथ गए होंगे। ये जो सटकता है ना उनका बोलने, मतलब लिटरली ऐसा ना उनका सटकता है ये सुनने के बाद, एक तो जहाँ पे मन कर रहा है वहाँ पे बात नहीं कर सकता या बात नहीं कर सकती, या फिर मिलने नहीं जा सकता या जा सकती, ऊपर से ये सुनना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से सटक आता है। लेकिन वो कहना कि बात का बतंगड़ बन जाएगा और इनकी खुद की ही फीलिंग्स सामने नज़र आएगी, ये मतलब बोलते ना बहुत ज़्यादा सोच समझ के अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, मतलब शांत रहते हैं, जितना बोलो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो थर्ड पार्टी पॉसिबल है कि इंक्वायरी करती होगी या सोचती होगी या कुछ भी है, बट फिर कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि पॉसिबल है कि वो आपसे नहीं बात करे या नहीं मिल रहे, क्योंकि मतलब जिस तरह से बोल रहे ना, जैसे थर्ड पार्टी इमेजिन कर रही है कि आप तो घूम फिर रहे हो, मज़े कर रहे हो, वैसे सिचुएशन हो सकती है, बट ऐसा हो ही नहीं रहा है। मतलब आपको खुद को पता है कि आप लोग के बीच में कितना तनाव है या सेपरेशन है या कुछ भी है, तो ये सब सोच के तो लाइक बहुत अपसेट तो हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ है ना कि भाई इंसान को अपना भी कर्म पता है कि जो भी हो रहा है ना वो सब मेरी ही वजह से हो रहा है, खूबसूरत हार्ट बना है यहाँ पे भी ऐसा ना एप्पल का ड्राइंग है, मतलब ड्राइंग क्या बोल रही हूँ, वैसे लाइक पता नहीं कि ड्राइंग वर्ड क्यों निकला है, तो देयर समथिंग लाइक ड्राइंग पसंद हो आपको या उनको बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स पसंद हो। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा ना कि जर्नी लाइक बोट की जैसे एनर्जी फील हो रही है, जैसे वहाँ पर लाइक दूर चले जाना चाहते हैं, लाइक होता ना एक नदियों पार, मतलब एक टेरिटरी से बाहर, एक जो हमारा सिक्स ऑफ सोर्ड का कार्ड है ना, जहाँ पे एक इमोशन से बाहर है, एक वो वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है।
मुझे यहाँ पे ना फेरी या एंजल की एनर्जी नज़र आ रही है, जहाँ पे ना जैसे एंजल्स अभी सब चीज़ ऐसा लग कर रही है कि सब कुछ मैं ठीक कर दूँगी, लाइक सदा ना क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड्स, लाइक स्प्रिंकल करते हैं मैजिक डस्ट और वो सब चीज़ जैसे ठीक कर देते हैं पहले की तरह से। बट अब ऐसा लगता है कि पहले की तरह होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ज़ख्म गहरे हो चुके हैं, जितना इनकी तरफ से मूवमेंट हो स्लो हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गहरा असर है। ये काफ़ी ज़्यादा मेरा रोमांटिक मूड में, क्योंकि जहाँ पे ना हार्ट्स बन रहे हैं तो लाइक ऐसे ऐसे लाइक हार्ट्स काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं, लाइक हार्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड एक दिए की एनर्जी, लाइक ना लाइट लाइट एक एनर्जी फील हो रही है मुझे, लाइट की एनर्जी। एंड पता नहीं क्यों ऐसे ना मुझे ऐसा लगता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशली ना रात को ना इमेजिन करते हैं, लाइक एक नियरेस्ट फ्यूचर। मान लीजिए कि आपका प्रपोजल है, प्रपोज करना बाकी है, तो प्रपोज कर लिया और आप साथ घूम रहे हो, आप कह रहे हो कि अभी हम लोग रिश्ते में हैं, मतलब ऑफिशियल कर रहे हैं। अगर सेपरेशन है तो एंड कर लिया और अब अगेन साथ में हो, बहुत चीज़ें हो रही है। कमिटमेंट के लिए बात रुकी तो शादी हो गई है, या फिर शादी हो चुकी है इससे लग रहा है कि हम बच्चे हो गए हैं, हमारी लाइफ कितनी कूल हो गई है वगैरह, ऐसे कुछ एक पता नहीं क्यों, मतलब एक इमेजिनेशन अचानक से जैसे वो पिक्चर उनके सामने आ जाता है और वो ख्याल से वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मतलब ऐसा ना कि सोच पे, डिज़ायर पे, इमेजिनेशन पे तो किसी का कंट्रोल नहीं ना, सपने देखने में क्या जाता है, बहुत कुछ लाइक इमेजिनेशन है, बहुत कुछ इमेजिनेशन है कि अगर ऐसा होता तो पॉसिबल है ना कि अगर इनसे बात हुई ना, मुझे पॉसिबल है कि यस बात हो पाएगी, क्योंकि जिस तरह से इनके इमोशंस है ना, जितना आपका ऑरा चमकेगा ना उतने ही इनकी तरफ से कॉल मैसेज आ सकते हैं। तो ये जो इमोशंस हैं इनके, वो ऐसे ही बोलेंगे कि ऐसे हो, बहुत रोमांटिकली, मतलब ऐसे लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं है। ये सही, मुझे ये एनर्जी बार बार फील हो रही है कि कुछ हुआ ही नहीं, और इतने प्यार से और इतने जैसे मैं पहले बात करते थे, आप खुद हैरान रह जाओगे, शॉक में रह जाओगे कि अरे क्या चल रहा है, मतलब इतना बड़ा बात हो गई थी, हमारे बीच में इतना बड़ा तनाव है या मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर इतनी बड़ी सेपरेशन की वजह है, और क्या पड़ा है करके। वह तो अलग ही पॉजिटिव थॉट्स, रोमांटिक फीलिंग्स हैं। फ्यूचर क्या पता नहीं, ये वाले मतलब उनको भी पता नहीं कि क्या होगा, बट इमेजिन करने में क्या जाता है, ऐसी एकदम पॉजिटिव एनर्जी है। जैसे मैंने कहा ना कि जैसे ही रीडिंग स्टार्ट की थी, मुझे एकदम अलग ही मतलब एक पॉजिटिव वाइब फील हुई, और ऐसे ही कुछ रोमांटिक ख्याल है वगैरह सब ऐसा फील तो हुआ था, एंड दैट इज़ द एनर्जी ऑफ टुडे। और आई कुड शो यू कि एक फेरी की एनर्जी जैसे नज़र आई हो, लाइक हैविंग अ बैंड इन काउंट, एंड दिस इज हार्ट्स हार्ट्स दिस थिंग वाले चीज़ है। लेट्स सी कि इनकी तरफ से पॉसिबल एक्शन क्या हो सकता है। Just two cards. Just a minute. So, इनकी तरफ से एक्शन क्या हो सकता है वो देखते हैं। Thank you.
बॉटम डेक है ट्रैप इन पीएम. सो मुझे ऐसा लग रहा ना कि कोई बहुत ज़्यादा लाइक ना बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग सिचुएशन में है, अपने ही अंदर डर और सब चीज़ में फंसा हुआ है, बहुत नेगेटिव फील हो रहा है. लेकिन जब भी वो एक अलग सी फीलिंग्स में जाता है ना, प्यार की एनर्जी में जाता है, तो जब आपके ख्याल आते हैं, आपके बारे में जो पल है साथ बिताए वो याद आते हैं, या इमेजिनेशन होती है, तो बहुत पॉजिटिव फील कर रहा है. और ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल और एनर्जी वाइज लॉजिकल है. आपको भी पता है कि जब भी हम किसी पॉजिटिव थॉट्स में होते हैं, हमें फिर होप ज़्यादा हो जाता है और हम पॉजिटिवली ज़्यादा सोच पाते हैं. तो वो चीज़ में ऐसी काइंड ऑफ एनर्जी उनकी ज़्यादा है, तो वो अपने आप को ना बूस्ट करने के लिए, जैसे आपको याद करना तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि जैसे आपके ख्याल आते हैं तो कुछ अच्छा भी होता है और पॉजिटिव थॉट्स भी आते हैं. तो वो चीज़ है. इनके भी विश है कि आपसे मिले. ये अपनी ना ईगो से वजह से बहुत ज़्यादा ईगो की वजह से आई थिंक इन्होंने बहुत कुछ खोया है, और उनको पता है कि इनकी गलती है, ज़िद है, ईगो है, इसकी वजह से ही सब कुछ खोया है. और यहाँ पे अगेन एनर्जी वाइज यू नो एम्परर एंड एम्प्रेस का मैच है, और यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली फॉर सम काइंड ऑफ जो कनेक्शन ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, उनका ये जो बोलो ना ये एनर्जी इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे टेलीपैथिकली कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है. खास करके जैसे मैंने कहा ना कि इन केस ऑफ जो किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, वहाँ से बाहर निकलने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है. एंड अगेन 11 या 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, जहाँ पे फाउंडेशन एनर्जी हुई. मुझे लग रहा है कि ये सक्सेस है, सेलिब्रेशन है, वो आपके लाइफ में आएगा ज़रूर, और नई शुरुआत है. रिस्क लेना ज़रूर चाहेंगे, नई शुरुआत करना चाहते हैं, एंड विक्ट्री एंड सक्सेस. एंड मुझे ऐसा लग रहा ना कि ये काफ़ी ज़्यादा ऐसा ना फोकस है कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं. और मुझे ऐसा लग रहा है ये भी है एनर्जेटिकली और सब कुछ, कुछ जगह पे आपको भी पता है कि जस्ट बिकॉज मैं कह रही हूँ कोई और कह रहा है उसने नहीं, आपको भी कन्फ्यूजन इसलिए है कि क्यों कुछ तो है जो आपको भी कहता है कि रुक जाओ या थोड़ा वेट करो या समथिंग, ऐसा कुछ हो जाता है. और ये एनर्जी कहीं ना कहीं उनके आसपास आपके भी है. हालांकि इनकी तरफ से गलतियाँ होना या इनका अभी तक ना आना या फिर इनका जो बिहेवियर है वो अभी तक ना सुधरना, ये भी आपको तकलीफ देता होगा, बट समा फिर भी पता नहीं क्यों आपको भी कहीं ना कहीं कुछ तो अंदेशा है, कुछ तो है करके, तो ये तो मुझे नज़र आ रहा है. सो क्लेमिंग दिस रीयूनियन फॉर ऑल, स्पिरिचुअल यूनियन रीयूनियन फॉर ऑल, एंड ये होगा ज़रूर, होगा ज़रूर. अभी वक्त हर एक का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, बट एनर्जी वाइज तो यही बात है. तो जितना पॉजिटिव आप सोचेंगे उतना पॉजिटिव वहाँ पे ख्यालात होंगे. तो ये थी रीडिंग. आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स.